you've many times talked about the fact that, you know, how you choose your roles and the fact that you take roles that are interesting or that are intriguing, which you can play with and etc. etc. But ये तो हो गया एक एक्टर की एक्ट्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द कैरेक्टर दैट शी डज. वट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी और हाउ डू यू फील, हाउ चैलेंजिंग इज द इंडस्ट्री राइट नाउ फॉर समबडी हु इज रिलेटिवली न्यू, रिलेटिवली नॉट फ्रॉम एक्टिंग बैकग्राउंड. मतलब ऐसा नहीं है कि यू नो यू हैव अ एंटायर सॉर्ट ऑफ अ शजरा ऑफ एक्टर्स इन योर फैमिली. हाउ डिफिकल्ट इज इट टू मेक दैट ब्रेक इन एंड टू मेक अ प्लेस ऑफ योर ओन? आर देयर चैलेंजेस, आर देयर थिंग्स दैट यू से कि यार ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा? आई थिंक हाउ डिफिकल्ट इज इट? आई कैन ओनली स्पीक फॉर माई सेल्फ. ऐसा नहीं है कि मुश्किल नहीं होती होगी ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ देखकर भी या बहुत सारे लोगों से इंडस्ट्री के अंदर ही बैठ के बात करके ही पता चलता है कि वो बचपन में शीशे के सामने से एक्टिंग करना शुरू किया और एक ख्वाब है और फिर घर वाले अगेंस्ट हैं, उसके बाद जब मीडिया में आए तो ब्रेक नहीं मिल रहा एंड लॉट ऑफ लाइक. और आपका कोई ऐसा ख्वाब नहीं था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था. और मेरे लिए आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह 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 मेरा जर्नी उस हिसाब से बिल्कुल स्मूथ रहा. बिकॉज जो मैंने पहला प्रोजेक्ट किया था दैट वाज जस्ट फॉर लाइक ट्राइंग सेक, बिकॉज यू नो एज अ चाइल्ड देयर वर सो मेनी थिंग्स आई वांटेड टू डू एंड एक्टिंग जस्ट जस्ट वाज वन ऑफ द थिंग्स कि चलो यार शुगर लगेगा, लेट्स सी व्हाट एक्टिंग इज अबाउट एंड व्हाट दैट ग्लैमर वर्ल्ड इज अबाउट. सो द फर्स्ट डे ऑफ द शूट आई हेटेड इट एंड आई डिड नॉट प्लान टू परस्यू इट एज अ करियर, नॉट एट ऑल. या आई मीन नॉट सो ग्लैमरस. So I after my first project maine socha tha ki nahi main nahi karungi dobara, but the kind of response I got from the fans and people around and then I won an award and which made me realize ki shit yaar ye to kuch acha kar rahi hu main, ye to maybe you know I should like pursue it further, and which is why I changed my mind. And but then again I've always been very selective about the kind of projects I do, the kind of characters I do. And initially I was just doing dramas and a lot of my fans and a lot of people who know me, even jo hamare bloggers hain aur sare wo channels mujhe bolte the aap interviews nahi deti, aap kahin aati nahi hai, ye nahi karti, wo nahi karti. But you know, I was very young when I started working. I was 17. Still are very young. कंपेरेटिवली अब एटलीस्ट आप जब एक जगह पे काम कर रहे होते हैं, यू मीट पीपल, यू अंडरस्टैंड कि व्हाट द इंडस्ट्री इज अबाउट, कैसे उठना बैठना है, कैसे काम करना है. सो इनिशियली आपकी फैमिली रिजर्वेशंस बहुत होती हैं, जो विद टाइम मतलब जितनी मुझे परमिशन थी उतना ही मैं काम करती थी. यू डोंट लिव हियर, आई बिलीव इन दुबई. आई सॉ एन इंटरव्यू, यू लिव इन दुबई. सो क्या होता है, लॉट ऑफ कम्यूट बिटवीन दुबई एंड पाकिस्तान, या अब ज्यादातर यू आर बेस्ड इन कराची फॉर योर प्रोजेक्ट्स? नहीं, आई स्टिल लिव इन दुबई और पाकिस्तान मेरा काम के लिए आना जाना होता है, सो इट्स लाइक रिडिकुलसली बैक एंड फोर्थ ट्रिप्स, बट आई एंजॉय दैट पार्ट ऑफ माय वर्क. यू नो बिल्कुल पता नहीं होना कहाँ उड़ के चली जाऊंगी. सबसे बड़ा चैलेंज मेरे ख्याल एक्ट्रेसेस के लिए ज्यादा ये होता है टू मेंटेन देयर लुक्स एंड टू मेंटेन अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ इंप्रेशन. एंड यू योरसेल्फ हैव गॉन थ्रू अ बिट ऑफ अ kind of no, I wouldn't say like such a big change, but you've sort of, you know, changed a little bit for television and all that. Is it something you consciously did ki ye karna hai, I have to look a certain way, my eye color needs to be a certain way, I have to be a certain weight, warna acceptance nahi hogi? Acha, I'm really glad you asked this question. It really needed to be addressed. So the reason for my weight loss, if that's what you were quoting, one of the things, yeah, इट्स मैं बहुत बहुत सिंपल, बहुत बेसिक लड़की हूँ. मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप मोटे हैं तो एक्सेप्टेंस नहीं होगी, या लोग काम का हवाले से अगर सोचें कि ओ अच्छा एक लोगों ने अपने माइंड में बनाया तो हीरोइन ऐसी होनी चाहिए. मेरा तो ख्याल है मैंने अपनी जिंदगी के बेस्ट कैरेक्टर्स तभी किए हैं व्हेन आई हैड लाइक सम वेट ऑन, राइट? तो और अभी भी चल ही रहा है बिल्कुल वैसे ही, बल्कि वो बेहतर होता जा रहा है. तो मुझे नहीं लगता आपके वेट से फर्क पड़ता है. अगर किसी से फर्क पड़ता है तो आपकी इंटेंशन से फर्क पड़ता है कि आप कितने हार्ड वर्किंग हैं, और फर्क पड़ता है कि आप कितने टैलेंटेड हैं या आप कितनी मेहनत से अपना काम कर सकते हैं. टैलेंट इज व्हाट पीपल पिक. तो वो जहाँ होता है, जितना मेहनत आप अपने काम में डालते हैं वो लोगों को नजर आ जाती है. और मुझे लगता है ऑफकोर्स देन लक भी है वो, तो फिर आप बहुत पतली लड़कियां या बहुत आप लोग वो करके भी आप यू डोंट गेट वर्क. इट्स नॉट जस्ट अ प्रीटी फेस, नॉट एट ऑल. मैं तो इस चीज को मतलब आई एम हाईली अगेंस्ट. मैंने अगर अपना वेट रिड्यूस किया है, नॉट एट ऑल फॉर स्क्रीन. सिर्फ एक मुझे लगता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए आपका, आपको एंड मेजरली आई वुड से फॉर माय फैमिली, आई मीन फॉर माय हस्बैंड, एंड यू नो आई नीडेड टू लुक गुड फॉर माय सेल्फ एंड नॉट बिकॉज आई थिंक
कोई बॉडी शेमिंग वाली बात नहीं, ये चीज तो मुझे बहुत बुरी लगती है कि हर बंदा खूबसूरत है भाई. बस जो एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि हेल्दी रखें अपनी बॉडी को, इसको हमने चलाना है अपने साथ ही, अल्लाह मियां की अमानत है हमारे पास, तो इसको डोंट अब्यूज योर बॉडी विद फूड एंड थिंग्स दैट आर अनहेल्दी. एब्सोल्युटली, ये सिर्फ एक लाइफस्टाइल की बात है, इट हैज नथिंग टू डू विद वर्क. नॉट एट ऑल, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर यू, नॉट एट ऑल. ये नहीं कभी ख्याल आता कि ओह माय गॉड आई नीड टू लूज वेट बिकॉज़ आई हैव टू डू अ फिल्म नेक्स्ट ईयर. अगर मुझे आएगा ये ख्याल वेट लूज करने का मजीद या वापस चढ़ाने का, तो वो मैं अपने आप को शीशे में देखकर सोचूंगी नहीं यार दिस डजंट लुक राइट, मे बी यू नो आई शुड लाइक, बट ओके देन अगेन. बट द टॉक्ड इन क्वेश्चन वाज फिल्म फिल्म. अच्छा, लेट्स से देयर इज अ कैरेक्टर, उसकी डिमांड है, तो दैट आई रिस्पेक्ट. लाइक फॉर एग्जांपल मेरे एक कैरेक्टर के लिए, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आपको पंजाबी का कोई कैरेक्टर मिलता है या आपको सिंधी एक्सेंट में बोलना है या कुछ करना है, तो आप वो सीखते हैं, आपको अपने उतने एफर्ट डालना पड़ता है, आपको जाके उनको उन लोगों में उठेंगे बैठेंगे देखेंगे वो कैसे बोलते हैं, उनका रख रखाव कैसा है. उसी तरीके से अगर एक कैरेक्टर की डिमांड है कि वेट पुट ऑन कर लें या लूज कर लें, चढ़ाना भी और कम भी करना, तो वो मैं बिल्कुल. अच्छा, वैसे मुझे नहीं पता कोई भी हमारे इंडस्ट्री में एक्ट्रेस ऐसी हो जिसने वेट चढ़ाया हो कैरेक्टर के लिए. लड़के फिर भी कर लेते हैं. आई थिंक आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु कैन इवन गो bald, like if there's a strong character which has, you know, like a lot of resistance and that has a lot of to offer, then I am the kind of person who can go to that extent. That extent. What are your aspirations as an actress? Matlab, do you think ki, oh, maine itni umar tak itne paise kamane hain aur ghar banana hai aur etc. karna hai, ya ek certain umar tak I have to win these awards and prove that, you know, to myself that I've accomplished so much. What are your goals in your career? To make my family proud with whatever I do, wherever I'm sure I do. Already proud. Mashallah, Allah ka shukar hai. Aur koi, I'm very simple. I don't have any big dreams or any big goals. Ya main kahun mujhe ye banna hai ya yahan tak pahunchna hai. We don't even know hamari zindagi kitni hai. Kaise hum plan kar sakte hain itna aage? So but jaisa chal raha hai. No 3-year plans for you. Not at all. I'm very spontaneous. I hate knowing what's going to happen next. Yeah, I usually like cancel my plan for knowing, you know, ki ye to mujhe pata tha ab main nahi kar sakti. It's not gonna be. ऐसा नहीं कि मैं सोच रही हूँ कि 2020 में मैंने इस डायरेक्टर के साथ फिल्म करनी है या इस एक्टर के साथ, या हो सकता है 6 months from now I don't even feel like continuing with acting. I don't know. ऐसा भी है. I don't know. Yeah. I like to give myself options. I just don't want to like restrict my thoughts to one thing. कि oh नहीं भाई, मुझे तो ये नहीं पता कि what if अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए आपका, how can I plan like next few years? I can't plan tomorrow. So what I say is live in the moment. आज जो है इसको enjoy करें. थोड़ी सी दुनिया, थोड़ा सा दीन, सब कुछ लेके साथ चलें और आज में जिएं. मेक योर फैमिली प्राउड, मेक योर सेल्फ प्राउड. बस एक जो वाहिद विश है मेरी वो ये है कि कल कला को जब मैं अपने काम पे देखूं, ये ऑल दी आउट ऑफ ऑल दी अदर थिंग्स दैट आई हैव डन इन लाइफ, ये फेज भी जब मैं देखूं तो इस पे भी मुझे देख के अच्छा लगे, मैं अपने बच्चों को बता सकूं कि दिस इज द काइंड ऑफ वर्क योर मदर हैज डन एंड दिस इज द काइंड ऑफ नेम शी मेड फॉर हरसेल्फ रिस्पेक्टफुली. और वो एक बस दैट्स इट.